5 दिसंबर को होने वाले मैनपुरी उपचुनाव को लेकर ताजनगरी आगरा से हजारों पुलिसकर्मियों को चुनाव में शांति व्यवस्था के लिए रवाना किया गया। पुलिस लाइन स्थित परेड ग्राउंड से बसों के जरिए इन पुलिसकर्मियों को मैनपुरी उपचुनाव के मद्देनजर रवाना किया जा रहा है। आपको बता दें कि सपा सुप्रीमो मुलायम सिंह यादव के निधन के बाद खाली हुई मैनपुरी लोकसभा सीट पर सपा सुप्रीमो मुलायम सिंह यादव और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की पत्नी डिंपल यादव चुनाव मैदान में है। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से रघुराज सिंह साक्य चुनावी ताल ठोक रहे हैं। प्रशासन के लिए चुनाव महत्वपूर्ण माना जा रहा है, जिसको लेकर प्रशासन द्वारा कोई भी कोर कसर नहीं छोड़ी जा रही है। मैनपुरी के अलावा अन्य जिलों से भी चुनावी ड्यूटियों के लिए पुलिसकर्मियों की रवानगी की जा रही है। इसी के मद्देनजर ताज नगरी आगरा से पुलिस लाइन स्थित है। हजारों पुलिसकर्मियों की तैनाती इस उपचुनाव में लगाई गई है। सैकड़ों की संख्या में बसों के जरिए पुलिसकर्मियों की रवानगी की गई। इस दौरान पुलिस लाइन स्थित परेड ग्राउंड पर भारी संख्या में रवानगी के लिए तैयार पुलिसकर्मी नजर आए, जिन्हें निर्देशित करने के बाद बसों के माध्यम से मैनपुरी उपचुनाव में भेजा जा रहा है। मैनपुरी उपचुनाव को देखते हुए ताज नगरी आगरा में भी व्यवस्थाएं चाक चौबंद है। आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि हम इस समय पुलिस लाइन में खड़े हैं और मैनपुरी चुनाव प्रशासन के लिए इतना महत्वपूर्ण क्यों है। आगरा से कई सारे पुलिसकर्मियों की ड्यूटी आप मेरे पीछे देख सकते हैं, लगातार बसों का साफा है कि बसों के जरिए पुलिसकर्मियों की ड्यूटी मैनपुरी उपचुनाव में लगाई गई है। काफ़ी सैकड़ों की संख्या में बस यहाँ पुलिस लाइन परिसर में स्थित है। मैं अपने कैमरा पर्सन से कहना चाहता हूँ कि दिखाएं पुलिस लाइन का जो परेड ग्राउंड है, वहाँ पर भी पुलिसकर्मियों को अभी डिप्लॉय किया जा रहा है, रवाना किया जा रहा है। लगातार पुलिसिंग व्यवस्था मैनपुरी चुनाव को लेकर चाक चौबंद नजर आ रही है। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि लगातार अन्य जो जिले हैं वहाँ से मैनपुरी चुनाव के लिए जो पुलिस की फोर्स है उसको डिप्लॉय किया जा रहा है, ड्यूटियाँ लगाई जा रही हैं। 5 तारीख को मैनपुरी का उपचुनाव होना है, जो कि भारतीय जनता पार्टी और प्रशासन के लिए नाक का सवाल बन गया है। प्रशासन के लिए नाक का सवाल इसलिए है क्योंकि प्रशासन को वहां पर व्यवस्थाएं चाक चौबंद रखनी है और भारतीय जनता पार्टी निश्चित तौर पर इस चुनाव के जरिए एक नया मैसेज देने की कोशिश करेगी। फिलहाल ताजनगरी आगरा से कई सैकड़ों हजारों पुलिसकर्मियों की जो ड्यूटियां हैं वो मैनपुरी चुनाव में लगाई गई हैं। अपने साथी कैमरा पर्सन रंजीत चौहान के साथ मैं अमित शर्मा, प्रातः दर्पण न्यूज आगरा।